फरवरी महीने में 59 साल बाद ज्योतिष में एक अद्भुत योग बनने जा रहा है। 9 फरवरी की रात में चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करने जा रहा है। इस विचित्र संयोग पर दुनिया भर के ज्योतिषियों की दृष्टि है। दरअसल मकर राशि में कुल 9 ग्रहों में से 6 ग्रह एक साथ मिल रहे हैं। मेदिनी ज्योतिष के मुताबिक जब एक ही राशि में 5 या उससे ज्यादा ग्रह युति करे तब देश और दुनिया में बड़े भू राजनीतिक बदलाव आते हैं और इस बदलाव का असर लंबे समय तक रहता है। साल 1962 में आए थे मकर राशि में 7 ग्रह। साल 1962 में मकर राशि में 7 ग्रहों का संयोग हुआ था। इस संयोग का परिणाम ये हुआ था कि दो महाशक्तियों अमेरिका और तत्कालीन सोवियत रूस क्यूबा मिसाइल संकट में उलझ गए थे और युद्ध के भय से विश्व राजनीति दो खेमों में बट गई थी। साल 2019 में 26 दिसंबर को धनु राशि में सूर्य ग्रहण के समय 5 ग्रहों के योग ने कोरोना वायरस महामारी और आर्थिक मंदी ने जो तबाही मचा दी है उससे पूरा विश्व बड़ी मानवीय त्रासदी से गुजर रहा है। और अब 9 फरवरी को रात 8:30 से लेकर 12 फरवरी को सुबह 2:10 तक मकर राशि में बन रही 6 ग्रहों की युति एक बार फिर से देश और दुनिया में बड़े बदलावों का संकेत दे रही है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस युति का भारत समेत बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। पड़ोसी देशों पर आएगा कोई महासंकट? हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को किसी बड़े संकट का सामना करना होगा। पाकिस्तान की चंद्र राशि मिथुन है। ये महायुति किसी बड़े भूकंप से देश को नुकसान पहुंचा सकती है। चीन की जन्म राशि मकर में शनि ग्रह सहित अन्य ग्रहों का गोचर वहां आर्थिक संकट से असंतोष पैदा करेगा। भारत में भी शेयर बाजार में कुछ उथल पुथल मच सकती है। भूकंप और ओलावृष्टि के हैं योग। मेदिनी ज्योतिष में मकर राशि को जल राशि और पृथ्वी तत्व से प्रभावित माना जाता है। मकर राशि में शनि गुरु की युति होना भूकंप का योग बनाती है। इस योग के प्रभाव से 15 दिनों के भीतर पाकिस्तान और उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं। 12 फरवरी की अमावस्या के बाद भारी बारिश और ओलावृष्टि का भी योग बन रहा है। विश्व में बढ़ेगी भारत की साख। कोरोना वैक्सीन की वजह से भारत की साख विश्व में बढ़ेगी। कई देशों में भारत के योग का प्रचार भी होगा। भारतीय मूल के नागरिक अन्य देशों में सरकारी पदों पर विराजमान होंगे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।